सबसे बड़ी बात कि बहुत प्रोफेशनल टीम है और इनको पता है कि किस तरीके से क्वालिटी का काम करना है। ये वायर्स के ऊपर भी टाटा लिखा हुआ है और ये दिखाते भी हैं, और जितनी भी पैकिंग आई है सब टाटा का सामान, जो भी बोला गया था, जिस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं वो अपने आप में सराहनीय है। और मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मैनेज नहीं कर पाती, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, तो पूरा 100% इनका क्वालिटी वाला काम रहता है। तो 10 में 10 पॉइंट। तो किसान साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है किसान फेंसिंग सॉल्यूशन पर। हमेशा की तरह हम जो भी बाउंड्री का मॉडल इंस्टॉल करते हैं उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, ताकि अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहें तो उस क्वालिटी का मॉडल इंस्टॉल कर पाएं। तो ये हरियाणा के पथरेड़ी गांव जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो हम हमेशा की तरह हमारा काम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बेस को मजबूत बनाने से। तो यहाँ पे जो एंगल की लेंथ है 9 फीट है, इसलिए 2.5 फीट गहराई के गड्ढे खोदे गए हैं। सीमेंट में एंगल की ग्राउटिंग की गई है और जो जाली है वो 6 फीट की ऊंचाई की है। इसमें जो बॉक्स साइज इस्तेमाल हुआ है जाली के अंदर 4x4 इंच बॉक्स साइज है, और जाली में जो तार इस्तेमाल किया गया है वो 3 mm मोटाई का है। जब आपके एंगल्स मजबूती से खड़े हो जाते हैं उसके बाद जाली को उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। एंगल से एंगल गैप 15 फीट रखा गया है, और इसमें जाली के बीचों बीच 3 सपोर्ट तार दिए गए हैं जो 2.5 mm मोटाई के हैं। ये जाली को झूलने से बचाते हैं, और इसी के साथ ही इसमें लॉकिंग में हमने लॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो आप बीच बीच में चाबी से टाइट भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी जाली झूलती हुई नजर आती है। सभी एंगल एक सीध में है, 3 डायमेंशनल लेवलिंग की गई है। यहाँ पे किसान ने कलर भी मांगा था कि हमें ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉर्नर में 3 एंगल लगे हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, और इसमें GI कोटेड एंगल इस्तेमाल हुए हैं जिनकी चौड़ाई 2.5 इंच है और मोटाई 5 mm है। गेट का भी इंस्टॉलेशन किसान फेंसिंग सॉल्यूशन की तरफ से किया गया है, और इसके ऊपर भी ड्यूअल कोटिंग मतलब ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन में गेट की डिमांड की, तो वो भी हमने इंस्टॉल करके दिया है। पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती से बनाया गया है, हर कॉर्नर पे 3 एंगल लगाए गए हैं ताकि पूरा वेट आसानी से होल्ड किया जा सके। और जो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा GI कोटेड है, मतलब रस्ट लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। नट बोल्ट जाली पत्ती तार सब कुछ GI कोटेड है। जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वहाँ के किसान का क्या कहना ये जानते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका किसान सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे किसान साथियों को। मेरा नाम संदीप चौहान है, तो मैं गांव पथरेड़ी से बिलोंग करता हूं। तो मेरा अपना, मैं सर्विस भी करता हूं, मेरा अपना बिजनेस भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी हैं। तो लेकिन अभी कोरोना के बाद से थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा है खेतीबाड़ी के अंदर। तो पिछले साल भी मैंने 3.5 एकड़ के अंदर इसी तरह का बाउंड्री लगवाया था जैसा अभी लगा हुआ है, और इस बार 2.5 एकड़ के अंदर ये लगवाया है, और इसमें स्वेदा लगाया, पिछली बार सागवान लगवाया था। तो आगे चंदन का प्लानिंग है 3.5 एकड़ में, वो लगवाने वाले हैं, तो वो अप्रैल के अंदर हमारा प्लानिंग है, तो इन्हीं से करवाएंगे। आपको किसान फेंसिंग टीम द्वारा किया गया काम कैसा लगा? पिछली बार अब दोबारा मैं करवा रहा हूँ, तो ये इसका प्रमाण है कि पिछली बार आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे बड़ी बात कि बहुत प्रोफेशनल टीम है और इनको पता है कि किस तरीके से क्वालिटी का काम करना है। तो मैं पूरा अभी खेत घूम चुका हूँ, सिर्फ 1-2 चीज़ें जो नज़र आई थी वो मैंने इनको बताई, इन्होंने साथ साथ वो ठीक कर दिया, तो पूरा 100% इनका क्वालिटी वाला काम रहता है। ठीक है जी, क्या आपको बताया गया सारा सामान वही मिला जो आपको जानकारी दी गई थी? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% वही सामान मिला है, और बल्कि वायर्स के ऊपर भी टाटा लिखा हुआ है और ये दिखाते भी हैं, और जितनी भी पैकिंग आई है सब टाटा का सामान, जो भी बोला गया था। एक तो सबसे खास बात कि पूरी डिटेल भेजते हैं वहाँ से कंपनी की तरफ से जो आती है, एक एक चीज़ आपके पास मेंशन होके आती है कि क्या क्या उसमें लगेगा, कितने जॉइंट लगेंगे, कितनी जगह बांधा जाएगा, कितना ज़मीन के नीचे जाएगा, वो सारी जानकारी इसके अंदर अच्छी तरीके से दी जाती है, तो वो सारे का सारा वो मैच करता है। ठीक है जी, आप हमारे काम को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 10 ही देंगे साहब, क्योंकि जो ठीक है छोटे मोटा आगे पीछे होता है, लेकिन वो आप कंप्लीट कर लेते हो और बहुत छोटे छोटे टाइम के अंदर, तो 10 में से 10 पॉइंट। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारी टीम और मैनेजमेंट का बात करने और काम को मैनेज करने का तरीका आपको कैसा लगा? ये तो मैं खैर आप लोगों को पूरी जितनी भी आपकी किसान सॉल्यूशन की जो टीम है ये बता ही दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों का मैनेजमेंट है। तो जो आप में से जो भी सीनियर हैं, जैसे यहाँ पे हमारे मोनू भाई सीनियर हैं और बाकी दीपक जी हैं, पिछली बार भी जो आए थे, तो टीम का एक टीम वर्क जो जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा रहता है, और ये टीम जो है जिस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं वो अपने आप में सराहनीय है,
और मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मैनेज नहीं कर पाती, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। ओके जी, काम की क्वालिटी को लेकर आप दूसरे किसान साथियों को क्या सुझाव देंगे? क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं और बहुत जगह क्वालिटी वाला काम भी नहीं हो पाता है, अंजी, अंजी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जितने भी किसान भाई हैं, तो अगर आप लोगों के थ्रू करवाते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ये सब काम इनके ऊपर छोड़ा जा सकता है। ओके जी, धन्यवाद। कोई एक सुझाव हमारी टीम के लिए जिससे हम किसान साथियों को और बेहतर सर्विस दे पाएं? सिर्फ एक सुझाव है कि जो खड्डा खोदने की मशीन थी, तो थोड़ी नई मशीनें लेके आए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि टीम तो बहुत एफिशिएंट है, लेकिन बीच में जब मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है फिर वो, हालांकि आपके बीच में इंजीनियर भी हैं बहुत सारे जो ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम थोड़ा ख़राब होता है उसमें, तो वो एक मेरा सुझाव है। ओके जी, किसान सॉल्यूशन टीम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।